सो वेलकम टू दी पीएचपी सेशंस। पिछले दो वीडियो सेशन के अंदर हमने पीएचपी की कुछ बेसिक डेफिनेशन देखी। ऑल्दो अगर मैं अपने चैनल की बात करूं तो यहां पर तमाम वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं, और पीएचपी के सेशन पे हमने अभी तक दो वीडियो सेशंस के अंदर देखा कि सबसे पहले पीएचपी क्या है, और उसके बाद सेकंड सेशन पे हमने ये देखा था कि आप किस तरह से सर्वर की सेटिंग कर सकते हैं अगर आप ड्रीम वीवर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रीम वीवर को यूज़ कर रहे हैं, और वो हमने सक्सेसफुली करके भी देखा। इसके अलावा जितने भी फर्दर सेशंस हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे, उसके तमाम के कोड मेरे ब्लॉग पे मौजूद है, ठीक है। फहद हुसैन सी एस ब्लॉग स्पॉट पे आप आएंगे और यहाँ पर पीएचपी ट्यूटोरियल लिखा हुआ है, और इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तमाम सेशंस जो अपकमिंग हमारे वीडियोस के हैं वो यहाँ पर मौजूद है। आप डायरेक्टली यहाँ से इसे कॉपी पेस्ट करके अपने आईडी पर रन करवा सकते हैं। ओके, तो पीएचपी पर हम यहाँ से सेशन स्टार्ट कर रहे हैं इन टर्म ऑफ वर्किंग। तो सबसे पहले तो मैं अपने जैम सर्वर को ओपन करके इसे स्टार्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारे अपाची एंड एसक्यूएल माई एसक्यूएल दोनों को मैंने एक्टिव कर लिया है। तो इस सेशन पे हमें देखना है वेरिएबल क्या है, इस स्ट्रिंग हम यहाँ पर सिंगल कोटेशन और इन्वर्टेड कॉमा के साथ किस तरह से लिख रहे होते हैं, और फिर उसके बाद हम प्रिंट को देखेंगे कि प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पर इको और प्रिंट का इस्तेमाल किया जाता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और किस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल, वेरिएबल इज़ नथिंग बट अ सेपरेट कंटेनर, और उस कंटेनर में जिस तरह रियल लाइफ में हम कंटेनर में चीज़ों को स्टोर करते हैं, इसी तरह प्रोग्रामिंग में या सॉफ्टवेयर के अंदर भी चीज़ों को होल्ड करने के लिए हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत होती है। उस वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए पीएचपी पे आप वेरिएबल के नाम से पहले डॉलर का साइन लगाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर ए को इनिशियलाइज़ किया है। अगर मैं बात करूँ, अगर आप प्रीवियसली कोई भी लैंग्वेज पढ़ चुके हैं, फॉर एग्जांपल सी और सी शार्प, तो वहाँ पर आप इस तरह से लिखा करते थे इंटीजर ए इक्वल टू समथिंग वैल्यू। जो इंटीजर होता था वो उसका डेटा टाइप होता था, और उसके बाद आप वेरिएबल का नाम लिखते थे, और उसके बाद उसमें आप असाइनमेंट ऑपरेटर लगाकर वैल्यू को असाइन किया करते थे। क्योंकि पीएचपी एक लूजली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लूजली टाइप से मुराद ये है कि ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहाँ पर आपको डेटा टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब प्रोग्राम रन होता है या बिल्ड हो रहा होता है तो वो उसको खुद ब खुद रिकॉग्नाइज कर लेता है कि जो वैल्यू आपने यहाँ पर उस वेरिएबल में लिखी है वो किस डेटा टाइप की है। यानी ये बिल्ड होने के बाद खुद आपको बता देगा कि ए के अंदर इस वक्त जो वैल्यू मौजूद है वो एक स्ट्रिंग की है। फिर इसी तरह फिर मैंने दो वेरिएबल को यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, और उसके बाद हम यहाँ पर यह समझना चाहते हैं कि स्ट्रिंग क्या चीज़ है, ठीक है। जो सीक्वेंस ऑफ करेक्टर है किसी भी अल्फ़ाबेट्स के साथ, जब आप कोई वर्ड लिख रहे होते हैं जो मोर देन वन है, तो ये हमारा स्ट्रिंग है। और इसी तरह दूसरे स्ट्रिंग पर भी यहाँ पर विथ स्पेस मैंने यहाँ पर हुसैन लिखा है। फिर मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ और इसका नाम रख लेता हूँ डॉलर ऑफ डी इक्वल टू सिंगल कोटेशन, ओके। और यहाँ पर तीसरा वेरिएबल भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ये बात हमें समझनी है कि इन दोनों पे डिफरेंस क्या है। तो पहले तो हम डायरेक्टली इन दोनों की वैल्यू को प्रिंट करवा लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ए और बी को कॉन्केटिनेट किया हुआ है, तो ये पॉसिबल नहीं है अगर आप स्ट्रिंग को किसी नंबर के साथ करें। लेकिन ऑल दो मैंने अभी यहाँ पर दोनों पे ही स्ट्रिंग लिया हुआ है, तो देखते हैं कि हम सी की वैल्यू को किस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं। तो इको को प्रिंट करवाने का तरीका ये होता है कि आप डायरेक्टली इको लिखेंगे स्पेस, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में जो आप स्ट्रिंग लिखना चाहते हो वो आप लिखोगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, और उसके बाद अपने वेरिएबल का नाम लिख दिया डॉलर सी। इस डॉलर सी के अंदर डॉलर ए एंड बी यानी दोनों वेरिएबल ज्वाइन हो रहे हैं, उसके बाद ये सी में स्टोर हो चुका है। उसके बाद मैं इसे प्रिंट करवा रहा हूँ। फिर सेकंड लाइन के अंदर मैंने प्रिंट कीवर्ड को इस्तेमाल किया, यानी प्रिंट स्टेटमेंट को। इसको भी हम पीएचपी पे अपने वेब ब्राउजर में इन टर्म ऑफ आउटपुट प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर H1 के टैग को मैंने इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर प्रिंट किया। H1 की हम बाद में करेंगे, तो पहले मैं इस H1 को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। ये करने के बाद ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ और अपने इस प्रोग्राम को क्रोम पर रन करता हूँ, एंड लेट्स सी। तो आप देख रहे हो कि हमारा जो आउटपुट है वो सबसे पहले हमारे स्ट्रिंग को प्रिंट करता है, और उसके बाद यहाँ पर जीरो वैल्यू प्रिंट कर रहा है, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि मैं डॉलर सी के अंदर इन दोनों वैल्यू को डायरेक्टली ऐड नहीं करवा सकता, ठीक है ना। ये दोनों वेरिएबल कॉन्केटिनेट हो सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते। ऑल दो अगर मैं वैल्यू को यहाँ पर 1 और 2 कर दूंगा तो यकीनी तौर पर वो वैल्यू अर्थमेटिक ऑपरेशन के बिहाफ पर ऐड हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें ऐड नहीं हो सकती, ठीक है। यही वजह है कि वहाँ पर इसका जो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो जीरो प्रिंट हो रही है। जबकि अगर मैं नीचे बात करूँ प्रिंट के साथ, तो प्रिंट के साथ वैल्यू जो मैंने हार्ड कोडेड वहाँ पर लिखी हुई है वो वैल्यू प्रिंट हो रही है। अब मैं एक काम करता हूँ कि सबसे पहले इनकी वैल्यू चेंज करता हूँ 1, और इसे करता हूँ 2। बाकी तमाम चीज़ें बिल्कुल वैसी हैं। सी को हम अब डी को हम कहीं यूज़ नहीं कर रहे हैं, लिहाजा कंट्रोल एस किया। पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, और अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सक्सेसफुली वैल्यू हमारी 3 यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है, क्योंकि अर्थमेटिक ऑपरेशन किसी भी नंबर पर अप्लाई किया जा सकता है। इसी तरह
कॉन्केटिनेट यानी करैक्टर को या किसी भी दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो डॉट के इस्तेमाल के लिए मैं दोबारा कंट्रोल जेड करके बैक आ जाता हूँ और इस वेरिएबल को इस वक्त के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉलर ऑफ ए, ठीक है। उसके बाद मैंने डॉट प्रेस किया और इन्वर्टेड कॉमा पे फॉर एग्जांपल मैंने दोबारा लिखा वैल्यू ऑफ बी, ठीक है, और हम इसे मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। जूम आउट करने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि हम किस तरह से दूसरे स्ट्रिंग में से कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। लिहाजा ये स्ट्रिंग यहाँ पर मैं इसे क्लोज करता हूँ, ठीक है। तो पहला स्ट्रिंग यहाँ पर क्लोज हो चुका है, आप देख रहे हो। इसके बाद ये एक वेरिएबल है और उसके बाद दूसरे स्ट्रिंग को ज्वाइन किया जा रहा है। लेकिन अब यकीनी तौर पर यहाँ पर मुझे एक सेपरेट कॉमा की ज़रूरत है जो कि इस वेरिएबल को सेपरेट कर सके, ठीक है। अब ये कॉमा से क्या मुराद है इसको मैं अभी इसके बाद बताऊंगा कि मैं इको में कॉमा इस्तेमाल क्यों करूंगा या कर रहा हूं। इसी तरह प्रिंट में कॉमा इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो इसकी क्या वजह है वो डिफरेंस पे देखेंगे। तो इस वक्त मैंने यहाँ पर डॉलर ऑफ ए लिया है, ठीक है, और इसी तरह दूसरे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं डॉलर ऑफ बी लेता हूँ, ठीक है, जो दो सेपरेट वेरिएबल हैं। कंट्रोल एस करने के बाद वेब ब्राउजर पर आते हैं, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख रहे हो फहद हुसैन फ्री कंप्यूटर एजुकेशन, उसके बाद फहद जो है वो डॉलर ऑफ ए में मौजूद है, और उसके बाद जो बी की वैल्यू है वो यहाँ पर नीचे प्रिंट हो जा रही है इसी के साथ हुसैन, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो दूसरी लाइन पे हुसैन मौजूद नहीं है क्योंकि यहाँ पर साइज़ छोटा है, मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि वो उसके साथ आ चुका है। इसके बाद अब हम समझते हैं कि हमने यहाँ पर देख लिया कि दो स्ट्रिंग को हम किस तरह से कॉन्केटिनेट करते हैं। ऐड नहीं कर सकते, ऐड करने की वजह भी हमने जान ली कि ऐड क्यों नहीं हो रहा। कॉन्केटिनेट करने के लिए हम डॉट को यूज़ करते हैं जो दो स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइन कर देता है। अब हमें ये समझना है कि सिंगल कोटेशन और इन्वर्टेड कॉमा से क्या मुराद है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को भी कमेंट कर देता हूँ, सिंगल लाइन कमेंट, और हम एक सिंपल इको यूज़ करते हैं, और इस इको के अंदर मैंने डायरेक्ट लिखा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा फहद हुसैन, और इसी तरह दोबारा मैं इको यूज़ करता हूँ और सिंगल कोटेशन पे लिखता हूँ मैं फहद हुसैन, ठीक है। टर्मिनेट करते हैं, कंट्रोल एस वेब ब्राउज़र, रिफ्रेश, ठीक है। तो बिल्कुल दोनों लाइनें सेपरेट लिखी हुई आ रही हैं, कोई फ़र्क नहीं है। हम लाइन को ब्रेक कर देते हैं यहाँ पर, हम चाहें तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर HTML के टैग को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वही कर रहा हूँ ताकि वो लाइन वहाँ से क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए और दोनों सेपरेट लाइनों पर आ जाए, और ऐसा ही हो रहा है। अब मैं इस फर्स्ट इन्वर्टेड कॉमा और सेकंड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दोनों वेरिएबल को इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, यानी डॉलर ऑफ ए। तो डॉलर ए इधर भी लिखा मैंने और दूसरे पे मैंने लिखा डॉलर ऑफ ए, ठीक है। दोनों कोटेशन के अंदर मैंने वेरिएबल को यूज़ किया है, उसके बाद मैं इसे डिस्प्ले करवाता हूँ। तो आप देख रहे हो कि जब मैंने इन्वर्टेड कॉमा लिखा है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मेरे वेरिएबल को एज अ स्ट्रिंग नहीं रीड किया जा रहा, बल्कि एज अ वेरिएबल जो है उसे रीड किया जा रहा है। लेकिन अगर मैं सिंगल कोटेशन में स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल का नाम लिखता हूँ तो वो उसको वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर रहा है, बल्कि उसको स्ट्रिंग ही सपोज कर रहा है। तो ये बेसिक डिफरेंस है सिंगल कोटेशन और इन्वर्टेड कॉमा के स्ट्रिंग के दरमियान। जब आप स्ट्रिंग सिंपल लिख रहे हो तो दोनों ही सेम आ रहे हैं, लेकिन जब आप सिंगल कोटेशन के अंदर वेरिएबल को गेट करना चाह रहे होते हो, डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो, तो उसकी वैल्यू डिस्प्ले नहीं होगी, बल्कि वो जो तुमने लिखा है वो एज अ स्ट्रिंग प्रिंट हो गया। ये दो बेसिक डिफरेंस थे इन दोनों के दरमियान। उसके बाद हम समझते हैं कि प्रिंट और इको के दरमियान क्या फर्क है। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रिंट और इको जो कि यहाँ पर हम प्रिंट करके भी देख रहे थे, दोनों ही आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए हैं, लेकिन इसमें सबसे बेसिक डिफरेंस हमारे पास ये है कि जो इको है हमारा वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता, ठीक है। जब आप इसको प्रिंट करवा रहे होते हो कोई भी वैल्यू उसकी रिटर्न नहीं होती, जबकि मैं बात करूं वेयर एज प्रिंट की तो ये वन रिटर्न करता है। ये बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद जो दूसरा डिफरेंस है कि मैं इको के अंदर मोर देन वन पैरामीटर यूज कर सकता हूं, जबकि प्रिंट के अंदर ओनली वन पैरामीटर या आर्गुमेंट इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, ये अभी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। और थर्ड डिफरेंस जो है वो इको हमारा जो है वो फास्टर है देन प्रिंट से। ये तीन बेसिक डिफरेंस हैं दोनों के दरमियान। अब हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस अभी हमने डिस्कस किया है
कि प्रैक्टिकली किस तरह से हो सकता है। लिहाजा सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा इको, और रिटर्न के हवाले से तो हमें पता ही है कि ये वैल्यू को किस तरह से रिटर्न कर रहा है। अब ये आर्गुमेंट से क्या मुराद है, लिहाजा आर्गुमेंट के लिए मैंने इन्वर्टेड कॉमा बनाया और टर्मिनेट कर दिया, ये इको लिखने का तरीका है। और यहाँ पर मैंने लिखा सबसे पहले एफ, उसके बाद मैंने प्रेस किया कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा बनाया, और फिर मैंने लिखा ए, फिर कॉमा बनाया, फिर इन्वर्टेड कॉमा लिखा, फिर मैंने लिखा एच, फिर कॉमा ए एंड एट लास्ट डी। तो आप देख रहे हो कि एक इको के अंदर अभी तक हमने सिर्फ एक आर्गुमेंट लिखा है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है वो एक आर्गुमेंट कहला रही है, ठीक है, अगर हम इसको बगौर देखें। लेकिन इस वक्त मैंने इको के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 आर्गुमेंट लिखे हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं यही काम प्रिंट के लिए करना चाहूँ तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, और जहाँ पर इको लिखा हुआ है वहाँ पर हम डायरेक्टली सिर्फ क्या लिख देते हैं, प्रिंट, ठीक है। प्रिंट लिखने के बाद हम इसे चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या सक्सेसफुली चल रही है नहीं, और रन टाइम पर ही आप देख रहे हो कि यहाँ पर यह एरर डिस्प्ले कर रहा है। तो डिफरेंस पे भी हम देखा कि मोर देन वन पैरामीटर सिर्फ आप इको पे लिख सकते हो, लेकिन ओनली वन पैरामीटर आप किस पे लिखोगे, प्रिंट के अंदर। लेकिन मैं कॉमा तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर एज अ जैक मैं इसको ज्वाइन तो कर सकता हूँ, ठीक है। तो सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए मैंने इसको कॉन्केटिनेट किया है, लेकिन जब ये सारे कॉन्केटिनेट हो गए तो कहलाएंगे तो वन आर्गुमेंट। लेकिन जब मैंने ऊपर की बात करता हूँ तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें सेपरेट हैं, तो अलग अलग हैं, जब ये प्रिंट होंगी तो एक साथ हो जाएंगी। कंट्रोल एस करते हैं, वेब ब्राउज़र पे आते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, और अब आप देख रहे हो कि दोनों वर्ड्स यहाँ पर सेपरेटली हो चुके हैं। ये फाद सेपरेट है और ये फाद जो है वो सेकंड लाइन वाला फाद है जो मैंने प्रिंट के ज़रिए से लिखा है। तो सेशन पे सबसे पहले हमने देखा वेरिएबल क्या है, स्ट्रिंग से क्या मुराद है, सिंगल कोटेशन और इन्वर्टेड कॉमा में क्या डिफरेंस है, और उसके बाद हमने ये देखा कि प्रिंट स्टेटमेंट इको और प्रिंट क्या कर रहा होता है और इनके दरमियान क्या बेसिक डिफरेंसेज हैं।